आज हम जानेंगे कि बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक इतिहास से किस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अंजू कुमारी, अ करियर साइकोलॉजिस्ट ऑफ योजना आईएएस। आज हम जानेंगे कि बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक इतिहास से किस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करनी होती है, तो आप देखिए उसके लिए कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन 19th एंड 20th सेंचुरीज, रिवोल्ट ऑफ 1857, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, द गांधियन ईरा, एन इम्पॉर्टेंट कांग्रेस सेशन एंड गवर्नर जनरल एंड वायसराय। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस सब टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसका ऑप्शन है आरसी दत्त, दादाभाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है दादाभाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मजरूल हक, कृष्ण। चंपारण क्यों फेमस है, गांधी जी चंपारण क्यों आए थे, ये आप अच्छे से पढ़िए। गांधी जी चंपारण कब आए थे, 1917 में इनको इनवाइट किया था राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रेज द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट कांग्रेस सेशन ऑफ 1929। इसका ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 को हम लाहौर सेशन भी बोलते हैं, लाहौर सेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंडिगो रिवेलियन वॉज अबाउट। ऑप्शन है द पिजन नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू। नेक्स्ट ऑप्शन है द पिजन वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड नॉट टू। थर्ड ऑप्शन है द पिजन नॉट वांटिंग टू स्टोर इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो एट अ प्राइस दैट वाज अनएक्सेप्टेबल। फोर्थ ऑप्शन है अ प्रोटेस्ट मूवमेंट दैट कैरिड एंड इंडिगो कलर्ड फ्लैग। इसका सही आंसर होगा सी, द पिजन नॉट वांटिंग टू स्टोक इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो एट अ प्राइस दैट वाज अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी पामदर ने बोथ फाउंड एंड कोलैबोरेटेड विद इंपीरियलिज्म विच पॉलिटिकल ग्रुपिंग वाज टू। इसका सही आंसर होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फॉर प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, मजदाएसान। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, एंड सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, एंड रहनुमाई मजदाएसान सभा नौरोजी फूलदोंजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज भगत सिंह वेन ही थ्रू अ बॉम्ब इन द असेंबली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ऑप्शन है 21 ईयर्स, अ लिटिल मोर देन 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, अ लिटिल मोर देन 25 ईयर्स, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन बी अ लिटिल मोर देन 21 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ऑलवेज विद द असेंट एंड ऑफन टू द डिक्टेट्स ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कैरिड ऑन एंड दिस इज द व्हाइट मैन्स बर्डन हु सेड दिस। इसका सही आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया वॉज चंपारण। अभी हमने पढ़ा चंपारण 1917 राजकुमार सुप्री ने उनको इनवाइट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह इन बिहार इन एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट द पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच टैक्स। ठीक है, इसका ऑप्शन है चौकीदारी, हाथी, डेवलपमेंट एंड मालवा। इसका सही आंसर होगा चौकीदारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार। इसका ऑप्शन है बाबू अमर सिंह, हरे कृष्णा सिंह, कुंवर सिंह, राजा सहजानंद सिंह। इसका सही आंसर होगा कुंवर सिंह, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसका ऑप्शन देखते हैं जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद एंड सी राजगोपालाचारी। इसका सही ऑप्शन आंसर होगा जेबी कृपलानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द साराबंदी कैंपेन ऑफ 1922 वाज लेड बाय। ऑप्शन है रंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1930 फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ओके, यहाँ ये ध्यान देने की बात है फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड। ठीक है, ऑप्शन है वर्धा, दांडी, सेवाग्राम एंड साबरमती। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे स्टूडेंट इसको दांडी भी बहुत बता सकते हैं लेकिन ये गलत होगा। कहाँ से स्टार्ट किया था उन्होंने, ऐसा नहीं कहाँ तक गए थे वो दांडी तक गए थे लेकिन स्टार्ट किया था साबरमती से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। इसका ऑप्शन है द डच, द फ्रेंच, द पोर्टुगीज, द ब्रिटिश। इसका सही आंसर होगा द पोर्टुगीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर हुज लीडरशिप वॉज सप्रेशन ऑफ थग अचीव। इसका ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्नेस। इसका सही आंसर होगा कैप्टन स्लीमैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वायसराय हु फॉलोड अग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान। इसका ऑप्शन है लॉर्ड मायो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरी, लॉर्ड कैनिंग, नॉन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। का सही आंसर होगा लॉर्ड लिटन। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रीवियस ईयर्स में आ चुके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फॉर्म्ड आर प्रोविंशियल किसान सभा। ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिंह सिन्हा, रामानंद मिश्रा। का सही आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर। ठीक है, ऑप्शन है 1601, 1632, 1774, 1661। का सही आंसर होगा 1632। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
Who wrote the book India for Indians? ठीक है, आपसे बुक और राइटर का भी नाम पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा. ऑप्शन ए सी आर दास, एम जी रानाडे, बी डी सावरकर, एस एन बनर्जी. इसका सही आंसर होगा सी आर दास, मतलब चित्तरंजन दास. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय. ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. इसका सही आंसर होगा ज्योतिबा फूले. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इसका ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, मिस एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू एंड भक्ति लक्ष्मी देसाई. इसका सही आंसर होगा मिसेज एनी बेसेंट. यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ क्वेश्चन पूछा हु वॉज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट वीमेन. और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन से भारतीय महिला इंडियन वीमेन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनी थी, तो उसका आंसर होता है सरोजनी नायडू. ओके, तो कंफ्यूज नहीं करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट. ठीक है, इसका ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस. इसका सही आंसर होगा विनोबा भावे. ठीक है, अब बताइए इंडिविजुअल सत्याग्रह कब हुआ था, 1940. इसके फर्स्ट सत्याग्रही तो विनोबा भावे थे, सेकेंड सत्याग्रही कौन थे और थर्ड सत्याग्रही कौन थे और व्यक्तिगत इंडिविजुअल सत्याग्रह क्यों हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडिया हाउस इन लंदन. ऑप्शन है श्याम जी, कृष्ण वर्मा, दास बिहारी बोस, रामचंद्र तारकनाथ दास. इसका सही आंसर होगा श्याम जी कृष्ण वर्मा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक देशेर कथा. ऑप्शन है सखाराम दनेश देवस्कर, राजेंद्र प्रसाद, निवारण चंद्र, मुरली मोहन प्रसाद. ठीक है, इसका सही आंसर होगा सखाराम दनेश देवस्कर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवोल्यूशनरीज वर हैंग इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी केस. ठीक है, ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल एंड अस्थाफुल्ला, वीर सावरकर एंड वसुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चंद्र चाकी एंड खुदीराम बोस एंड सूर्य सेन एंड उधम सिंह. इसका सही आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल एंड अस्थाफुल्ला. आपको ये बताना है कि काकोरी ट्रेन रॉबरी कब हुआ था. ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम अंडर विच द पिजेंट हिमसेल्फ ऑन्स द लैंड एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू टू द गवर्नमेंट इज नोन एज. ऑप्शन है जमींदारी सिस्टम, रैतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम एंड दहसाला सिस्टम. इसका सही आंसर होगा रैतवारी सिस्टम. ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया किया गया था और कब किया गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये आपका होमवर्क है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ऑप्शन है विलियम एडम, ए ओ ह्यूम, दास बिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू. सही आंसर होगा ए ओ ह्यूम. इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना था वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. ऑप्शन देखते हैं, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक एंड सुभाष चंद्र बोस. इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड बिकॉज ऑफ. ऑप्शन है ब्रूटल सप्रेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह,
जालियांवाला बाग ट्रेजडी चौरी चौरा इंसिडेंट। इसका सही आंसर होगा जालियांवाला बाग ट्रेजडी। जालियांवाला बाग ट्रेजडी कब हुआ था? ठीक है, जालियांवाला बाग ट्रेजडी हुआ था 13 अप्रैल 1919। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इस्टैब्लिश द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले एंड भगत सिंह। इसका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स इन बंगाल वाज इन्फोर्स्ड बाय। ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, विलियम वेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following participated in the Parliament of Religious held at Chicago in 1893? Option A, Dayanand Saraswati, Swami Vivekanand, Mahatma Gandhi and Raja Ram Mohan Roy. The right answer will be Swami Vivekanand. Okay? Next question is Who established Swaraj Party in 1923? Okay? Option देखते हैं, Mahatma Gandhi, वल्लभ भाई पटेल, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। सही आंसर होगा सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द फेमस प्ले नील दर्पण इन विच ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स इज डिस्प्लेड। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, शरद चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, वारिंद्र घोष एंड दीन बंधु मित्र। सही आंसर होगा नील दर्पण दीन बंधु मित्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस बैटल ऑफ बॉन्डी वॉज इन 1760 वॉज फाउट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट हुम। ऑप्शन है द फ्रेंच, स्पेन, मैसूर, कार्नाटिक। इसका सही आंसर होगा द फ्रेंच। मैसूर वॉर, कितने मैसूर वॉर हुए थे, कब हुए थे, कितने कर्नाटिक एंग्लो मैसूर, कितने एंग्लो कर्नाटिक वॉर हुए थे, कब हुए थे और उनके बीच कौन कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी, ये आपको सारा कुछ पढ़ना है, याद करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, क्या पता नेक्स्ट टाइम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो अभी से आप सारा सर्च कीजिए, याद कीजिए, रिविजन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन है द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, द चार्टर एक्ट 1833, द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसका सही आंसर होगा डी, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल म्यूटिनी ऑफ 1831 अंडर बुधो भगत टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ऑप्शन है कच्छ, सिंहभूम, वेस्टर्न घाट्स एंड सतारा। इसका सही आंसर होगा सिंहभूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्पीयर हिट द 1857 रिवोल्ट इन बिहार। ठीक है, ऑप्शन है नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह एंड मौलवी अहमदुल्ला। ये तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इसका सही आंसर है कुंवर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Who drew Gandhiji attention to the plight of indigo peasants in Champaran? ये अभी पिछले क्वेश्चन में आ चुका था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, इसका ऑप्शन देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपाली रान कृपलानी, राजकुमार शुक्ला। इसका सही आंसर होगा राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्वामी सहजानंद वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसका ऑप्शन है ट्राइबल मूवमेंट इन बिहार, लेबर मूवमेंट इन बिहार, एजेंट मूवमेंट इन बिहार और कास्ट मूवमेंट इन बिहार। ठीक है, इसका सही आंसर होगा एजेंट मूवमेंट इन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गांधी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन विच ही यूज्ड सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं चंपारण, केरा, अहमदाबाद एंड रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, इसका सही आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन 1632 एट पटना बिहार। ठीक है,
ऑप्शन देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इससे रिलेटेड तो पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। इसका सही आंसर होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस गांधी जी हैज स्टडीड। ऑप्शन है सामलदास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद एंड बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। ठीक है, इसका सही आंसर है सामलदास कॉलेज भावनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट विच एक्ट जवाहरलाल नेहरू हैड सेड वी वर प्रोवाइडेड विद अ कार विद ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं, एक्ट ऑफ 1858, एक्ट ऑफ 1909, एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1935। इसका सही आंसर होगा एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर हाउ मेनी डेज डिड दांडी मार्च लास्ट। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, 10 डेज, 20 डेज, 24 डेज एंड 30 डेज। इसका सही आंसर होगा 24 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसका ऑप्शन है सूर्य सेन, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, इसका सही आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड एज अ रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ऑप्शन पहले देखते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट एंड इसका सही आंसर होगा स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट्स हैड अपीयर्ड फॉर द INA ट्रायल्स एट दिल्ली इन 1945-46। ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भूलाभाई देसाई, KM मुंशी, सरदार पटेल। इसका सही आंसर होगा भूलाभाई देसाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड मैडम कामा अनफर्ल इंडिया ट्राइकलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसका ऑप्शन है पेरिस, लंदन, स्टुटगार्ट एंड जेनेवा। इसका सही आंसर होगा स्टुटगार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट। ऑप्शन है विनोबा भावे सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रह, नहीं विनोबा भावे सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रह नहीं थे, विनोबा भावे फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह थे, सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रह ही थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया आपका, हमसे करेक्ट पूछा है। T.R. दास देश बंधु, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है देश बंधु और दीन बंधु, तो ये आपको डिसाइड करना है क्या सही होगा। विलियम बेडर्डवन कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1907, श्यामजी कृष्ण वर्मा फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन पेरिस, नहीं श्यामजी कृष्ण वर्मा फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन नॉट पेरिस। फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन पेरिस कौन थे वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और इसका सही आंसर होगा C.R. दास देश बंधु, चित्रंजन दास को देश बंधु बोला जाता है और दीन बंधु किन को बोला जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे वॉज डिक्लेयर्ड अ पूर्ण स्वराज डे बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन देखते हैं, 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947, 13 जनवरी 1948, 31 दिसंबर 1950। इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन तीनकठिया सिस्टम इन बिहार हाउ मच लैंड वॉज टू बी रिजर्व फॉर इंडिगो कल्टिवेशन। ऑप्शन है 1/10, 1/3, 3/20 एंड 3/25। अब आप बताइए तीनकठिया सिस्टम किस किससे रिलेटेड है,
ठीक है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है। तिनकठिया सिस्टम चंपारण चंपारण मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हर तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 3/20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइटल वॉज गिवेन टू जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन देखते हैं, प्रजा हितैषी, लोकनायक, लोकमान्य, राष्ट्र नायक। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन होगा लोकनायक एंड लोकमान्य में, तो हम आपको बता दें जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बोला जाता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट सुखदेव, भगत सिंह एंड राजगुरु वर हैंग। ऑप्शन है 12 नवंबर 1930, 23 मार्च 1931, 7 सितंबर 1931, none of this। यहाँ आपको डेट भी याद रखना है, अगर आपको ये भी याद है ना 1931 में हुआ था तो कब, इसका सही आंसर होगा 23 मार्च 1930, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द थर्ड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1940। अब बताइए इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में पीछे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, और वहाँ फर्स्ट सत्याग्रही और सेकंड सत्याग्रही के बारे में पूछा गया था, लेकिन यहाँ आपको थर्ड सत्याग्रही के बारे में पूछा जा रहा है, और यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू दोनों दिया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट सत्याग्रही विनोबा भावे थे, सेकंड सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अब ये दोनों ऑप्शन में से तो नहीं होगा, बच जाते राजेंद्र प्रसाद एंड ब्रह्मदत्त, ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, इसका सही आंसर है ब्रह्मदत्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द लीडर्स ऑफ संथाल रिवोल्ट। ऑप्शन है चारा भगत एंड बलराम भगत, सिंधु एंड कानू, गौरक्षणी भगत एंड केसर, तनभुनाथ पाल एंड कोरामल्या। इसका सही आंसर होगा सिद्ध एंड कानू। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है संथाल रिवोल्ट कब हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, एम ए जिन्ना, तकत अली, अबुल कलाम आजाद, अब्दुल गफार खान। इसका सही आंसर होगा अब्दुल गफार खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सक्सेसफुली लेड द बारडोली सत्याग्रह। ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, बेबी कृपलानी एंड जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था एंड और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी, क्योंकि अभी तो वल्लभ भाई पटेल, इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जाना जाता है, तो सरदार की उपाधि कब गई थी, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया इन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 में आया, या तो आपको पता चल गया क्योंकि ये क्वेश्चन में तीन कौन कौन आए थे उस टाइम, यहाँ नोट लिखा हुआ है, जो नहीं उसमें इंक्लूड थे उनको हमें इसमें से चूज करना है। ऑप्शन देखते सर स्टैफर्ड क्रिप्स, रामसे मैकडोनाल्ड, एवी अलेक्जेंडर एंड लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अब बताइए इसमें से कौन नहीं आए थे, ये रामसे मैकडोनाल्ड, क्योंकि सर स्टैफर्ड क्रिप्स उसमें शामिल थे, एवी अलेक्जेंडर एंड लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन में वो मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन थे, लेकिन रामसे मैकडोनाल्ड मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फेमस गांधी इरविन पैक टू प्लेस। ऑप्शन है 1929 AD, 1930, 1931 एंड 1932। इसका सही आंसर होगा 1931, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन। ऑप्शन है 1920 AD नागपुर, 1924 AD बेलगांव, 1929 AD लाहौर एंड 1931 AD कराची। इसका सही आंसर होगा 1929 AD लाहौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट
चौरी चौरा वेयर इज फेब्रवरी 1922 AD अ पुलिस स्टेशन वॉज सेट ऑन फायर। ऑप्शन देखते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच मोमेंट आजाद दास्ता वॉज एक्टिव इन बिहार। ऑप्शन देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसका सही आंसर होगा क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ये तो मैं बता चुकी हूँ इसके पहले। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन। ऑप्शन है, सितंबर 1946 AD, अक्टूबर 1946 AD, और नवंबर 1946 AD एंड दिसंबर 1946 AD। अब देखिए यहाँ कैसे कंफ्यूज करते हैं, इतना तो पता है मुझे कि 1946 ही होगा सही आंसर, लेकिन किस मंथ में ये मुझे नहीं पता है, इसके लिए आपको पढ़ाई करनी होगी, रिवीजन करनी होगी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दिसंबर 1946 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अडॉप्टेड एज द मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम। ऑप्शन है, होम रूल मूवमेंट, विजिट ऑफ द साइमन कमीशन टू इंडिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल, मोर देन वन ऑफ द अबव। सही आंसर होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब आपका होमवर्क ये है कि होम रूल मूवमेंट कब हुआ था, उसमें से पार्टिसिपेट किए थे, उनके लीडर कौन थे। ठीक है, होम रूल लीग के बारे में पढ़ना है। सेकंड, विजिट ऑफ द साइमन कमीशन टू इंडिया, साइमन कमीशन इंडिया कब विजिट किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ महलवाड़ी सेटलमेंट इन बिहार। ठीक है, ऑप्शन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, हॉल्ट मैकेंजी, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, लेकिन आपको ये याद करना है कि महलवाड़ी सेटलमेंट कब लागू किया गया था। जितने भी सेटलमेंट हैं, महलवाड़ी सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, जमींदारी सेटलमेंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये कब हुआ था और कौन इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1940 विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम। ऑप्शन है, पुनाप्रा वायलार केरला, नादिया इन खेरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, पवनार महाराष्ट्र, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका और सही आंसर होगा पवनार महाराष्ट्र। इंडिविजुअल सत्याग्रह से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन पूछ दिए गए, कब हुआ था, 1940, फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे, सेकंड सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, थर्ड सत्याग्रही कौन थे, ये भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, और ये विनोबा भावे कहाँ से स्टार्ट किए थे अपना फर्स्ट सत्याग्रह, तो पवनार महाराष्ट्र, इससे सब कुछ पूछ दिया गया। तो इस तरीके से आप जो भी पढ़िए उसके बारे में हर फैक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, और क्यों हुआ था, कब हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस तरीके का क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में। तो आपको ज़रूरत है कि जितने भी टॉपिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करनी है, और सारे टॉपिक आप कवर कीजिए। उससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, या ऐसे संभावना बनते हैं कि हो सकता है इससे रिलेटेड आगे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते, क्योंकि अगर आप वो टॉपिक कवर कर लेंगे, उस टॉपिक के बारे में आपको सब कुछ पता है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, थैंक यू।